हेलो बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? तो चलो आज मैं आज तुम लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का नाम है आकारों की कहानी। बहुत समय पहले एक राज्य था, आकार नगर। उसका राजा था बेडौल राजा। बेडौल राजा का कोई आकार नहीं था और उसका एक मंत्री भी था। एक दिन मंत्री ने राजा से कहा, महाराज, हमारे पड़ोसी देश का राजा हमारे ऊपर बहुत हंसता है महाराज। वो क्यों? अच्छा, तो क्या करना चाहिए? अच्छा, तो राज्य में मुनादी करवा दो, कल सारी आकृतियां आकर दरबार में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करेंगी। ठीक है? राज्य में आके तुम्हें महाराज के दरबार में आके अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करनी होगी। अच्छा, तो ये जो खबर है ये सारे नगर में फैल जाती है। अब क्या होता है, महाराज के दरबार में महाराज का दरबार लग जाता है और सारी आकृतियां आकर अपना अपना श्रेष्ठता सिद्ध करेंगे। श्रेष्ठ हूं महाराज। ठीक है, अभी सारी आकृतियों को आने दो। इसके बाद आता है आयत। मैं आयत हूं महाराज, मैं आयत हूं, मुझ में चार भुजाएं हैं और चार कोने हैं, लेकिन मेरी चारों भुजाएं बराबर नहीं है महाराज। अच्छा, अब कौन आता है? मैं हूं वर्ग, मुझ में भी चार भुजाएं हैं और चार कोने हैं, पर मेरी चारों भुजाएं बराबर हैं महाराज। देखिए ना महाराज, मैं ही श्रेष्ठ हूं, मैं ही श्रेष्ठ हूं। फिर इसके बाद आता है वृत्त। महाराज, मैं वृत्त हूं महाराज, गोल गोल जैसे कि रोटी गोल। मुझ में ना कोई कोना है ना कोई भुजा है, तो महाराज मैं ही श्रेष्ठ होऊंगा ना। चंदा गोल, सूरज गोल, और मैं भी गोल, मैं वृत्त हूँ वृत्त।
ही सबसे श्रेष्ठ है। मंत्री मंत्री जी महाराज, सारी आकृतियों को जेल में डाल दो, हमारे राज्य में सिर्फ वृत्त रहेगा। ठीक है महाराज। और फिर क्या होता है बच्चों? सारी आकृतियां जेल में बंद हो जाती हैं। फिर एक दिन वहां कौन आता है? सितारा बाबा। अरे ये किसके रोने की आवाज है? चलो देखता हूँ किसके रोने की आवाज है। अरे आयत वृत्त त्रिभुज, तुम इतना क्यों रो रहे हो? महाराज ने हम सबको जेल में डाल दिया है, हम इसी से बहुत दुखी हो गए हैं। ओ ये बात है, तो अभी मैं कुछ युक्ति लगा के तुम लोगों को छुड़वाता हूँ। अरे सितारा तू? हाँ महाराज, मैं आपको बताने आया हूँ कि ये घड़ी इतनी अच्छी घड़ी चल रही है कि जो भी अंधे कुएं में कूदेगा वो इस आकार नगर का राजा होगा 7 जन्मों तक। अच्छा तो मैं उस अंधे कुएं में कूदूंगा। चलिए महाराज चलिए। और राजा अंधे कुएं में कूद जाता है। फिर सितारा क्या करता है? सितारा सारी आकृतियों को छुड़ा लेता है और सारे लोग ला 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 ला। हाँ तो आकृतियों वो राज्य अच्छा होता है जहाँ पे सभी लोग साथ साथ रहते हैं, हर तरह के, जैसे कि अपना भारत देश है, यहाँ विभिन्न जातियों विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, बहुत सी बोलियाँ हैं, बहुत से रंग भी हैं, लेकिन सब एक साथ रहते हैं ना, तो हम लोगों को साथ साथ रहना चाहिए। ला 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 ला। तो हो गई कहानी खत्म।